नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राफेल बस आने ही वाला है, जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से लगभग दो घंटे में वो भारत के की भूमि पर लैंड कर चुका होगा। इंतजार लोग कर रहे हैं अपने पलक पावड़े बिछाकर, जो सैन्य जानकारियां रखते हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राफेल के आने से किस तरीके से हमारी शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इस बात का इंतजार भी करेंगे कि जब तक राफेल वाकई एक ऑपरेशन में आसमान में देखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो इस इंतजार में है कि राफेल जब भारत की वायु सीमा में दाखिल होगा तो वो पल कैसा होगा। लंबा इंतजार इस तरह के एक विमान के लिए हमें करना पड़ा है। जिस तरह की स्वागत की तैयारी है वो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि किस तरीके से वायुसेना अध्यक्ष वहां पर अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही जो एक पारंपरिक वाटर सल्यूट जो दी जाती है, कोई भी विमान जब आता है चाहे कमर्शियल हो चाहे वायुसेना का हो, उसे वाटर सल्यूट के जरिए स्वागत उसका किया जाता है। वाटर सल्यूट दरअसल क्या होता है समझ लीजिए कि एक विमान अगर आ रहा है तो दो तरफ से, जैसे किसी इंसान के पांव हम पघारते हैं जब कोई सम्माननीय व्यक्ति रहता है, उसी तरीके से विमानों को दो तरफ से पानी की बौछार के साथ उसका स्वागत किया जाता है। राफेल जो कि हमारा सबसे नया सदस्य होगा हमारी वायुसेना का, और अब तक का सबसे शक्तिशाली, सबसे उन्नत, सबसे आधुनिक विमान होगा, फाइटर जेट होगा, उसके स्वागत की तैयारियां आम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं और वायुसेना पूरे उस पारंपरिक अंदाज से जिस तरीके से राफेल का स्वागत करना चाहिए। और इस सब के बीच दिल हिलते हमारे दुश्मनों के, जो सोच रहे हैं कि एक ऐसे आधुनिक विमान जिसमें इतनी ज्यादा क्षमता रहती है उसके साथ वो किस तरह से आगे की अपनी तैयारी करें। जिस तरह की हमारी सीमाएं हैं, जिस तरह का वहां का भूगोल है, वहां पर राफेल बहुत निर्णायक हमारी सेना के लिए, हमारी सेनाओं के लिए, वायुसेना का जरूर यह हिस्सा, लेकिन जिस तरह से ये समर्थन करेगा, सहयोग करेगा हमारी सेना का, थल सेना का, वो अपने आप में अद्भुत। तो हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एयर कोमोडोर प्रशांत दीक्षित जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व बॉमर नेविगेटर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। हम जैसे राफेल के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं और आम लोग भी, एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि राफेल आएगा, कैसा होगा, क्या कर सकता है, इसीलिए मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में समझना चाहूंगी एक एक चीज राफेल से जुड़ी हुई। अगर हम जेनरेशन की बात करते हैं विमानों में और हम कहते हैं कि राफेल 4.5 जेनरेशन का विमान है, इसका मतलब क्या होता है, एक आम आदमी के लिए क्या मतलब होता है, अभी के विमानों से कितना बेहतर? श्वेता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इस तरह की जनरेशन की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन सामरिक रूप से एक इस जनरेशन को एक रिश्ता दिया गया है, और वो ये है कि जिन जहाज़ों में विजिबिलिटी ऑब्स्क्योर हो जाती उनको हम पांच जनरेशन कहते हैं। इसीलिए चूंकि राफेल में ये सुविधा नहीं है तो कहा जा रहा है कि ये 4.5 जनरेशन है, बट इसका कुछ अर्थ नहीं होता मॉडर्न वॉर एयर वॉरफेयर में। टेरिफिक प्लेटफॉर्म है, सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, इसमें मीटियोर मिसाइल है जो कि 150 से 200 किलोमीटर आसानी से हवा में मार सकती बिना देखे हुए, और स्कैल्प वो वेपन सिस्टम है जो कि 300 किलोमीटर जमीन में किसी टारगेट को बिना देखे हुए मार सकता है, और हम ऊपर से हैमर लेके आ रहे हैं क्योंकि स्पाइस लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके अलावा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जमीन में बैठे बैठे कॉम्बैट पायलट्स पूरी तैयारी करके जहाज में ले जा सकते हैं और उसको प्लग इन कर सकते हैं। मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। और मैं बताऊं, जो एक खास बात जो आपके चैनल से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, फ्रांसीसियों से हमारा पुराना रिश्ता है। इसके पहले मिराज 2000 होता था, उसके पहले हम उनके मिस्टियर जहाज उड़ाते थे, उसके पहले हम उनके तूफानी जहाज उड़ाते थे जिनका फ्रेंच नाम ओरेगॉन था, उनका एलिजे जो था हमारी नेवी यूज करती थी। यही नहीं, स्पेस प्रोग्राम में हमारा फ्रांसीसी सरकारों से कई सालों का रिश्ता है। तो जो ये बात आपकी चैनल से मैं आवश्यक कहूँगा कि एक सामरिक दोस्ती है, और उस सामरिक दोस्ती को फ्रांसीसी सरकार खूब तरीके से निभा रही है, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो जहाज आ रहे हैं इसके अलावा जो 32 एक जहाज आने हैं वो जल्दी से भेज दिए जाएंगे, जिसमें हमारी एयरफोर्स उन पर अपने पायलट्स को पूरी तरीके से तैयार कर सके। लेकिन इस वक्त
खास बात यह है कि हम चीनी फौजों के साथ बॉर्डर में जूझ रहे हैं और ये वेपन सिस्टम ज़रूर इसमें थोड़ा सा बदलाव ला सकता है। हमारे पास दूसरे भी वेपन सिस्टम्स हैं, वो भी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन राफेल आने से हम दूर से दूर मार सकते हैं। और जैसा कि आपने बालाकोट में देखा, हमने स्पाइस बॉम्ब को यूज़ किया जो कि मिराज 2000 में बिल्कुल एडजस्टेड है, और हमने अपने बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर घुस के उनके वहाँ गोली दाग दी और उनके टारगेट पे एक्यूरेटली मिल गई। इसी तरह जो हैमर वेपन सिस्टम आया है, इसका प्रिसिशन बहुत सुपर्ब है। सुनने में ये आ रहा है कि 4-5 मीटर्स की एक्यूरेसी से मार सकता है, और इतना बड़ा अगर विस्फोटक 4 से 5 मीटर तक मार सकता है तो वो उसी टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन आसपास के लोगों को जो कोलेटरल डैमेज है वो कम हो जाएगा। मॉडर्न वॉरफेयर में एक्यूरेसी सबसे अहमियत रखती है, उसके बाद है लैक ऑफ कोलेटरल डैमेज, और उसके बाद है प्रिसिशन। प्रिसिशन तो मैं कह चुका हूँ, लेकिन कितनी दूर आप मार रहे हैं, और इतनी दूर मार रहे हैं अपने आप को एनिमी के जहाज़ों से बिना एक्सपोज किए, तो ये नई एयर वॉरफेयर की नई सभ्यता है, और राफेल आने से उस सभ्यता के हम निकट आ गए हैं। हम अपने जहाज भी बनाने जा रहे हैं, वो शायद इस मौके पर आप उसका विवरण नहीं चाहेंगी, लेकिन और बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। मार्शल बीके भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह की बॉम्बिंग मार्शल भाटिया हम लोग इतने दिनों से जानते रहते, फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग में हमेशा कहा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको फैसला लेना पड़ता है कि बॉम्ब अगर थोड़ा सा अपनी जगह से अगर भटक गया तो आपका टारगेट दूर रह जाता है, लेकिन यहां पर जिस जनरेशन और जिस तरह के विमानों की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे विमान हैं जो कहीं पर भी अपनी सरहद में बैठकर पाकिस्तान में निशाना लगा सकते हैं, जो टेरर कैंप्स हम कहते हैं। कितनी बदली है ये उड़ान, और आज राफेल के आने से कितनी ज्यादा वही शक्ति हम उस हिसाब से देख सकते हैं जिस प्रिसिजन की बात कर रहे हैं कमोडोर दीक्षित, उस हिसाब से सर आप कितने उत्साहित हैं आज? देखिए ये जो है राफेल का जो इंडक्शन हो रहा है आज, ये काफी सालों के बाद हो रहा है। सबको मालूम है कि पिछले 8 साल से हम इनका इंतजार कर रहे हैं। ये कहने की बात है कि आज ये जो डे है, ये गोल्डन डे नॉट ओनली फॉर गोल्डन एरोज, जो स्क्वाड्रन में जिसमें ये भर्ती हो रहे हैं, ये गोल्डन डेज पूरे एयरफोर्स के लिए है और पूरे देश के लिए है। अब इनकी जो क्षमता है जो राफेल्स की, ये देखिए ये 4th generation++ फाइटर जहाज़ों में गिना जाता है। एक्चुअली इसमें जो 5th generation एयरक्राफ्ट की जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सब एट्रीब्यूट्स हैं बिना एक्सेप्ट स्टेल्थ के, तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं माना जाता। लेकिन जैसे सेंसर फ्यूजन है, सर्वाइवेबिलिटी है, लिथालिटी है, और सिचुएशन अवेयरनेस है, जैसे ये सुपर क्रूज है, ये सब क्षमताएँ इस जहाज़ में हैं। तो ये जो जहाज़ है इसको जब जो इंडियन एयरफोर्स में जो भर्ती हो रहे हैं तो इसके जो वेपन सिस्टम्स हैं, इसके जो सेंसर्स हैं, इनमें ये क्षमता है कि ये बहुत दूरी तक मार कर सकते हैं। और जैसा कि आप बालाकोट की आप वो कर रहे थे, तो इसमें ये क्षमता होगी कि अपनी सरहद के अंदर भी रह करके ये जो काफ़ी टारगेट जो दुश्मन की सरहद के उस तरफ हैं उसमें निशाना लगा सकता है। तो जैसे बालाकोट में हुआ था ऐसी चीज़ें, ये काफ़ी दूर रहकर अपनी सरहद में रहकर इन जो टारगेट्स पे हैं इन पे निशाना लगा सकता है। तो ये इसकी क्षमता है, और इसकी और बहुत सी क्षमताएं हैं। हमारे दर्शकों को याद होगा कि उस समय जब हम बालाकोट के समय बात करते थे, जी बालाकोट के समय जब बात करते थे तो ये हमेशा रहता था कि आप दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर आप बॉम्ब करके और लौट रहे हैं, तो सबको ये चिंता रहती। उस समय आपको कहीं कोई रेडार की जद में ना आ जाए, वो तो हमारे वायुवीर ऐसे थे, उनकी क्षमता ऐसी थी कि वो दुश्मन को छकाते हुए लौट आए थे। लेकिन इस तरह का जो विमान है उसके लिए आपको सरहद पार ही नहीं करनी है, कुछ इस तरह की ताकत राफेल के साथ। एक दीक्षित एक चीज मैं समझना चाहूंगी कि एक तो होता है वो भारतीय तरीका,
कि आप कोई भी हथियार है, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स, वहां पर जब कुछ आता है, जैसे राफेल का की पूजा किस तरह से की गई थी हमने देखा था, शस्त्र पूजा की यह परंपरा कंप्लीटली पूरी तरीके से भले ही भारतीय है लेकिन हर सेना के अंग में हम ये देखते हैं। अब इसके साथ एक जो एयर सल्यूट होता है, इसकी भी कोई परंपरा है या फिर ये सामान्य है, क्योंकि हम कमर्शियल विमानों को भी एयर सल्यूट के साथ ही वेलकम करते हुए नए अगर वो आते हैं तो देखते हैं। वाटर सल्यूट, वो जो पानी के फव्वारे की बात कर रही हो, वाटर कैनन या वाटर फ्लो, वो एयरफोर्स का पुराना ट्रेडिशन है और मैं हमेशा इस बात का सपोर्टर रहा हूँ कि जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको हम उन्हें काबिल रखना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। इससे बदलाव होने से क्या होता है कि आम एयरफोर्स की जो जनता है उसमें कभी कभी अड़चन में आ जाती है। तो मैं आपके चैनल से फिर कहना चाहूँगा कि जो वाटर कैनन जो ऊपर जा रही है ये पुराने तरीके हैं और हमारे कमर्शियल एयरलाइनर्स के भी पुराने तरीके होते थे। मैं मानता हूँ कि भारत में शायद थोड़ा बदलाव होगा आने वाले वर्षों में, लेकिन हम अब जहाँ तक कि अपने को, अपनी एक्शंस को और हमारे तौर तरीकों को भारत के संविधान से जोड़ के एक सिक्योर तरीके से करें तो सबसे अच्छा तरीका होगा। इस और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर मानेंगे मेरी ये सलाह कि जो वाटर कैनन है वो किसी विवाद का विषय नहीं बन सकती, और इतना है कि ये सब सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि हम राफेल जहाज़ का पूरा उपयोग कर सकें, उस पर पूरी जानकारी हासिल कर सकें, उस पर बिल्कुल फुली ऑपरेशनल हो सकें, और जो दो बेस एयरफोर्स खोलने जा रही है, उदाहरण के लिए अंबाला या हाशिमारा, इनमें पूरी सुविधा दी जाए इन जहाज़ों को सेटल होने की। और एक साथ ये भी कहना चाहूँगा श्वेता कि हमारे जो पायलट्स जो ट्रेन हो रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में ट्रेन किए जाएंगे 36 जहाज़ों के लिए, 2 स्क्वाड्रन्स के लिए, उनको हम इस काबिलियत पे ले आएँ कि वो कहीं पर जाके इन एयरक्राफ्ट का ऑपरेशंस कर सकें। अगर आप इन राफेल जहाज का इतिहास देखें तो इनका उपयोग हो चुका है और हम फ्रेंच एयरफोर्स इनको कोएलिशन फोर्सेस के साथ उपयोग में ला चुकी हैं, और हमारा भी अनुभव फ्रेंच जहाज़ों का पुराना है। जैसे मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा था, मिराज 2000 को हम बिल्कुल सफलता से उड़ा चुके हैं, उसका उपयोग कर चुके हैं, और मैं आशा करता हूं कि उसी सफलता से हम राफेल का भी उपयोग कर पाएंगे, जिससे कि हम आने वाले वर्षों में एक एयर पावर का नया रूप सारे संसार को दिखा सकें। और एक बात जो ज़रूरी ये कहने की है कि शायद एक बात चल रही है कि एक फ्रेंच रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की, एयरबस 330 की, उस पर जल्दी से जल्दी अगर भारत सरकार निश्चय कर सके तो हमारे हित में होगा। हमारे पास एयरफोर्स के रिफ्यूलर्स कम हैं और उनकी बढ़ोतरी की बड़ी आवश्यकता है। एयरबस 330 इसकी होड़ में शामिल है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर निश्चय नहीं किया है। मेरी ये सलाह है सरकार को और आपके दर्शकों को और भारत सरकार के सीनियर ऑफिसर्स को, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, कि इस पर जल्दी से जल्दी निश्चय किया जाए, जिसमें कि हम पूरी कॉम्पोजिट एयर पावर का रूप ले सके, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। बताइए श्वेता जी, ये बहुत जरूरी है वाकई, क्यों हमारी सेनाओं को इस तरह की चीजों में उलझना पड़े कि आधुनिकीकरण के लिए आप हथियार के प्रपोजल पास होते हैं 20 साल पहले और उसके बाद जाकर जब आपके हाथ में आते हैं तब तक दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी होती है। हालांकि भारत में भी अब कोशिश हो रही है कि अब क्या स्वदेशी तौर पर डेवलप किया जा सकता है, लेकिन तेजस की भी एक सच्चाई है कि उसमें समय लगा था, अब अधिकांश जैसे 3 दशक का समय लग गया था। मार्शल भाटिया, जिस तरह से राफेल की हम बात कर रहे हैं, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जितनी ऊंचाई पर हमारे इन फाइटर्स को, हमारे एयरफोर्स के पायलट्स को फ्लाई करना होता है, चाहे वो किसी भी तरह के विमान हो, चाहे दौलत बेग ओल्डी की लैंडिंग हम बड़े ट्रांसपोर्ट जहाजों को देखें, या फिर ये समझें कि सियाचिन की ऊंचाई पर अगर एक फौजी है तो उससे कई हजार फीट ऊपर उड़ान भरने वाला एक एयरफोर्स का पायलट रहता है। ये कला हमारी जो है, इस तरह की जो हमारे पायलट्स हैं उनकी जो काबिलियत है वो आप दुनिया में कहां पर रखेंगे, क्योंकि आज उन पायलट्स की भी बहुत चर्चा हो रही है जो राफेल उड़ाया करेंगे। कमाल है यार, ऑडियो
माशर भाटिया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं अब सुन पा रहा हूँ। आपने आप शायद पायलट्स की जो ट्रेनिंग के बारे में बात कर रही थी, तो ये तो लाजिम है कि जो हमारे जो पायलट्स जो सिलेक्ट हुए हैं रफेल्स को उड़ाने के लिए, वो हमारे क्रीम आला क्रीम जो एयरफोर्स के हैं वो हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जितने पायलट जो फाइटर पायलट्स हैं, उनको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, दे आर ऑल ऑन टॉप ऑफ द फील्ड, हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो आप जिसकी ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं, तो फाइटर जहाज़ और कोई भी जहाज़ जो हैं, वो ऊंचाइयों पर तो उड़ने की क्षमता उनमें इनहेरेंट होती है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि उन ऊंचाइयों पर रहकर जब हमको बड़े ऊंचाइयों पर पड़े जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर वार करना पड़ता है, उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन ये जो जहाज़ हैं, इनमें ये क्षमता है कि ये सब कर सके। मुझे उसके 1999 कारगिल वॉर की याद आ रही है, जबकि हमने जो पहली दफ़ा इंडियन एयरफोर्स ने जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब यूज़ किए थे मिराज के ऊपर टाइगर हिल के अगेंस्ट, और उस समय मुझे ये कहते हुए भी हर्ष हो रहा है कि उनमें से एक सॉटी में मैं भी उसके अंतर शामिल था, जबकि हमने टाइगर हिल के अगेंस्ट जो LGB बड़ी एक्यूरेसी से हमने दागे थे, और उसके बाद जब उसका उसके ऊपर हमला हुआ था तो हम बड़ी जल्दी उसको टारगेट को हासिल कर सकते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन जहाज़ों में इनहेरेंट होती हैं, इसके लिए ट्रेनिंग की थोड़ी की ज़रूरत होती है, और वो ट्रेनिंग हमारे पायलट जल्दी कर पाएंगे एंड दे विल बिकम केपेबल टू बी एबल टू ऑपरेट एट हाई ऑल्टीट्यूड इन द एरियाज लाइक हिमालयस लद्दाख एंड सो एंड सो फोर्थ। ये सब इन जहाज़ों में इनहेरेंट क्षमता है जी। और कमांडर दीक्षित, हालांकि आप दोनों युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं 1971 में, जिस तरह का कारनामा किया गया था, चाहे हम बांग्लादेश जो अब नया है, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर भी भूमिका रही है आप सबकी, मैं ये समझना चाहती हूं कि आज जब आप इस नई पीढ़ी के विमान को देखते हैं और इस तरह की चीजें देखते हैं, लगता है कि भारतीय पायलट्स के हाथों में जब इन विमानों का कंट्रोल आ जाएगा तो तस्वीर कितनी बदल सकती है? क्योंकि हमने तो 71 के युद्ध में हो या उससे पहले भी हो, जिस तरह के कारनामे कमतर विमानों के साथ बेहतर दिखाए हैं पाकिस्तान के साथ खासकर, वो तो अपने आप में एक लेजेंडरी कहानियां बन चुकी हैं। अश्वेता, शुरू से एयरफोर्स के एयरक्रू को एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसमें ये समझाया जाता है जब आप हवाई जहाज के भीतर हों तो आप हवाई जहाज का हिस्सा हों और एक वातावरण का हिस्सा हों। पायलट्स बाहर से नहीं होते तो वो उसी माहौल में बिल्कुल रम जाता है। रम जाने से क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपकी दिशा होती है आप किसी विवाद और किसी चर्चा के पहुँच जाते हैं। आपने 71 की लड़ाई का जिक्र किया, मैं 71 की लड़ाई में शामिल था और एयर मार्शल भाटिया भी थे, उनको वीर चक्र दिया गया था उस लड़ाई में। 71 की लड़ाई में मैं एक बात कहूँगा, जब तीनों सर्विसेज ने पूरा योगदान दिया था, लेकिन एक बात कहने में मुझको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी कि जब हमारे मिग ने उनके गवर्नर जनरल के घर पे अटैक किया तो उनको ये दिल में आ गया था कि उनको हथियार डालने पड़ेंगे, और ये एक सिंबॉलिक एक्शन था, और हमने उनके गवर्नर जनरल का घर इतनी आसानी से पहचान लिया, हमारे पास टो के पूरे तरीके थे, तस्वीरों खींचने के तरीके थे, मैं भी एक ऐसे स्क्वाड्रन में था जो तस्वीरें खींचती थी, और उन्हीं तस्वीरों की बदौलत इतने फ़ायदे निकल के आए, यहाँ तक कि हमने ढाका और काकोक्सिस बाज़ार और चिटगांव सब जगह की तस्वीरें बहुत पहले से खींची थी। और कॉम्बैट जहाज़ जो उड़े थे वो उन्हीं जहाज़ों ने हमारी आर्म फोर्सेस को ग्राउंड में सपोर्ट किया। Su-7s ने अटैक किया, मिक्स ने अटैक किया, यहाँ तक कि आप लोग के जनता आप लोगों के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर की जो बॉम्बिंग की गई वो एयरफोर्स की सहायता के बदौलत की गई। और मुझे ये कहने में बड़ा आनंद आ रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स की जो नींव रखी गई वो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पायलट्स ने रखी। ये बात इतिहास के पन्नों में दबी रह गई है,
लेकिन कभी कभी उसको उभारने की आवश्यकता है, खासकर इस साल जिस साल के दिसंबर में हम 71 की लड़ाई का की 50वीं वर्षगांठ बनाएंगे और उस दिन की वर्षगांठ बनाएंगे जिसकी बदौलत एक पूरा का पूरा लिबरल सोसाइटी हमने खड़ी कर दी और पाकिस्तानी जो वहाँ पर अत्याचार कर रहे थे उनको वहाँ से हटा दिया। लेकिन आई आर्म फोर्सेस की बात और एयरफोर्स की भूमिका की बात, एयर पावर का पूरा उपयोग किया गया था 71 की लड़ाई में। इंडियन एयरफोर्स के जहाज थे, इंडियन नेवी के जहाज थे जो चिटगांव के आसपास यूज़ किए गए थे उनके टारगेट्स पे अटैक करने के लिए। हमारे जहाज पन्नागढ़ से उड़ के गए थे और जैसोर के बॉम्ब डंप पे अटैक किया था। मेरे मित्र अक्षय जो भी कभी कभी मुझे वो कहानी बताते हैं, कोई आने वाले वर्षों में मैं आशा करता हूँ कि कोई ऐसा दस्तावेज लिखा जाएगा जिसमें 71 के का विवरण छोटे छोटे हिस्सों में किया जाएगा। ऐसे प्रयत्न हो चुके हैं लेकिन पूरी तरीके से कभी कभी नहीं हुए। एयर मार्शल भरत कुमार ने किताब लिखी है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब मौका मिले उस किताब को ज़रूर पढ़िए और उससे आपको भारत नहीं, अपना इतिहास तो जरूर जानना चाहिए। और जो वाक्य आप बता रहे हैं वाकई वो निर्णायक साबित हुआ था जब वो बॉम्बिंग हुई थी वहां पर, वो निर्णायक साबित हुआ। और उस समय तो एयर मार्शल भाटिया, उस समय तो ऐसा भी नहीं होता था कि ऐसे विकसित चीजें, मतलब जीपीएस जैसी चीजें, आपको एक एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत अधिक हो जाती थी। आपके लिए नेविगेशन इतना आसान नहीं था कि किसी मशीन के जरिए आप बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट सब कुछ समझ सके। और इसीलिए जो आज के विमान है उसमें एक पायलट का काम कितना आसान हो रहा है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे दीक्षित आप बोल रहे थे जब 71 की लड़ाई में हम जा रहे थे डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, तो उस समय हमको खुद नेविगेशन करना पड़ता था और उनको रेडार से बचने के लिए हमको अल्ट्रा लो लेवल फ्लाइंग करनी पड़ती थी। तो जैसे मैंने अपने आप काफ़ी ऐसी उड़ानें भरी थी, जैसे एक जो स्ट्राइक थी वो हमने शोकोट रोड जो आजकल उसके नाम पे जाने जाता है रफीकी एयरफोर्स बेस, उस पर हमने 3 हमले किए थे। लेकिन इनमें जाने के लिए हमको जो नेविगेशन एट्सेट्रा एवरीथिंग हमको अपने आप ही करनी पड़ती थी और इसको उस समय पता क्या बोलते थे, इट वाज अ मूविंग थंब डिस्प्ले। आजकल तो ये सब चीज़ें ऐसा लगता है जैसे कि म्यूजियम के लिए रखनी चाहिए, लेकिन उस समय ये सब काम हमको खुद करने पड़ते थे। ये डे टाइम ही नहीं, रात के टाइम में भी हमारे जो कई जहाज MiG-21 एंड 27 फॉर एग्जांपल जो टैग डे के थे, उन्होंने जब हमला किया रात के टाइम पे, और उस समय तो ये कहावत थी कि हम जो उस समय जो रशियन एक एवैक्स टाइप एयरक्राफ्ट था वो हमको नेविगेट करा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। इट वाज ओनली मूविंग थंब डिस्प्ले, जैसे अंगूठा जो मैप के ऊपर चलाते चलाते हम टारगेट की तरफ जाते थे। लेकिन अब जो है बिल्कुल चीज़ें बदल गई हैं। अब रफाल के लिए देखिए, अब रफाल में ये जो है GPS INS सब कुछ है, नेविगेशन के लिए सब है। और इसको अभी जो 13 जो आई इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स में, उसको जो इंडियन हमारा सिस्टम है जो IRNSS दैट इज़ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम NAVIC, वो भी उसके साथ कपल्ड होगा और ये जो है नेविगेशन करने में इसको बहुत ही आसानी है। अब उधर जब हम अटैक करते थे, हमको जो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनकी जो एयर डिफेंस गन्स हैं, वो जो फायर कर रही होती थी उनके अंदर जाना पड़ता था। लेकिन हमारे पास अब ये क्षमता है कि हम दूर से वार कर सकते हैं। रफेल का जैसे जो हैमर का डिस्कशन हो रहा है, जो स्कैल्प का डिस्कशन हो रहा है, उसमें आप अगर आप देखिए तो हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से दुश्मन के टारगेट पर वार कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास दुनिया बदल रही है और उस सब के बीच एयरफोर्स को भी बदलना है। उसी बदलती तस्वीर को हम देख रहे हैं, वीरता की कमी नहीं है। जैसे हमारे दोनों जो खास मेहमान हैं ये वॉर वेटरन्स हैं, कमाल इन्होंने दिखाया है उस दौर में भी जब हमारे विमान तकनीकी तौर पर शायद हम कहें विमान पाकिस्तान से कम थे, लेकिन हमारे पायलट्स की क्षमता ऐसी रही है कि जो हाथों में रहे
उसी से देश की शक्ति बढ़ जाती है। अब तो राफेल आ रहा है, यानी पायलट भी शक्तिशाली और विमान भी उतना ही शक्तिशाली। एक छोटे से ब्रेक के लिए नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर